गुमला जिला के घाघरा इलाके में एक लड़की के साथ उसके चचेरे भाई ने ही रेप की कोशिश की है। पारिवारिक रंजिश का बदला लेने के लिए चचेरे भाई ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया है। अब पीड़ित लड़की ने घाघरा थाने में लिखित आवेदन दिया है। पीड़िता ने बताया कि अशोक हुजूर ने झांसा देकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की है। 1:30 बजे मतलब रांची से आए, गुमला पहुंचे, उसके बाद में बोले कि बहुत दिन से नहीं मिले हैं, तकली छोड़ो और भाई बहन हम लोग कुछ भी हो रहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब भाई बहन है तुम मेरी तो बहन जैसा मानेंगे। गुमला आए 1:30 बजे, गुमला में मिले, उसके बाद में फिर गुमला से टोटो लेकर आए थे, फिर अपना दोस्त लोग से हड़िया उड़िया पिए, फिर उसका दोस्त लोग को बोल तीन को दो चार जन थे तो फिर उन लोग को छोड़े थी, एक जन बाइक से गया टोटो में उधर निकला, फिर दो जन बोलरों में, एक जन उसके बाद में एक जन को गुमला में छोड़ा, फिर मतलब हम लोग ना क्या बोलते टोटो से रिटर्न गए थे गुमला से रिटर्न गए, फिर एक जन को पैसा लेना था भैया को, फिर भैया पैसा लिए उसे निकलवाए, एक जन को पैसा लिया, फिर एक जन को गुमले में छोड़े, फिर आए उसके बाद में गुमले में दारू खरीदे वहाँ चौक में पटेल चौक में, उसके बाद पटेल चौक में दारू खरीदे, फिर क्या खर का मोड़ हाँ वहीं पे बाजार लगता है ना, वहीं फिर चखना खाना खरीदे, फिर गाड़ी में दारू पीते पीते आए, फिर इतना बात करते करते उसके बाद में घर जगह रुके, फिर घर जगह पैसा घर में जमा किए लिए थे सबसे, पैसा को घर में दिए, उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर उसका दोस्त को छोड़ रहे गंभरिया आए, गंभरिया छोड़े पास उसका घर में चाय वो पिए, फिर हमको बोला चलो तक भी थोड़ा सा थी नौनीदाम पुल में वहाँ पे कुछ काम है, कुछ सामान लेना है, उसके बाद में हम तुमको गुमला छोड़ देंगे, तेरा ट्यूशन भी है सुबह बोले, फिर फिर यहाँ से गंभरिया से निकले, उसके बाद फिर यहाँ घाघरा में दारू खरीदे, फिर बोल रहे कि तेरे लिए खरीद दिए हैं एल्कोहल है बस लड़की लोग के लिए है बोले, मतलब यहाँ से खरीदे, उसके बाद फिर निकला, उसके बाद में नौनीदा जब पहुँचे ना तो बोल रहा है कि यहाँ का थी क्या बोलते हैं प्लानिंग थी आगे बढ़ गया है, तो यहाँ रात हो जाएगा तो मतलब रात का थी मतलब काम है ना, तो फिर दिन दिन हो जाएगा तो पकड़ा जाएंगे, इसलिए चलो उधर से लेकर आएंगे बोले, फिर हम बोले फिर घर का जाएंगे तो बस उधर से तुरंत लेकर आएंगे फिर छोड़ देंगे घर बोले, फिर जब उधर फिर निकले और हमको फिर आदर से आगे गया ना, उसके बाद पूरा दारू बनवा पैक बनाओ, उसके बाद में पियेंगे फिर आराम से दोनों भाई बहन चलेंगे, जबरदस्ती पीबे करो जब हम नहीं पी रहे ना तो गाड़ी को पूरा रोक करके पूरा लाइट ऑफ करके तो पीबे करो बोल रहा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर वहाँ से पूरा लेके पूरा फिर जंगल, और हमको ना गन को हमको पकड़वाया था, क्या चीज को पकड़वाया, गन को पकड़ो तुम कह रहा पकड़वाया, तो जैसे हम लोग जंगल घुसने लगे ना तो गन को मेरे जगह से ले लिया, फिर जब नेतरहाट घुसे फिर हम क्या क्या बोलने लगे कि आप लिए कहाँ जा रहे थे, अपने घर उड़ जाना नहीं, आप हमको झूठ बोल के लाए हैं, तो उसके बाद में ना फिर कि चलो अब फिर वहाँ से निकले माहौल थी नेतरहाट वाला रोस में घुस गए थे, फिर ना वहाँ से निकल के माहौल डाडा रोड में घुस गया, फिर जब भी जंगल में पहुँच गए ना तो बोल रहा है कि तेरा भाई लोग ये किया वो किया, मतलब अथी बिजनेस चला रहे थे मेरा बदनाम कर दिया पूरा, इतना पैसा ढाल दिया 6-7 लाख, अभी सबका हम बदला लेंगे, तेरे से रेप करेंगे, पत्थर से कूच का मार देंगे, फिर जहाँ वहीं वारदात का स्थान गुमला होने के कारण अग्रिम कार्रवाई के लिए पीड़िता को गुमला थाने भेज दिया गया है। घाघरा थाने के प्रभारी अभिनव कुमार ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा। आज एक लड़की के द्वारा आवेदन दिया गया कि उसी का चचेरा भाई उसको किडनैप करके और ले जाके कहीं पे उसके साथ गलत करने का प्रयास किया, लड़की बीच बचाव करके वहाँ से भागी और अपने परिजनों की मदद से अपने घर पे आई, उसके बाद आज घाघरा थाना आई थी, लेकिन हम लोग अग्रिम कार्रवाई है तो घटनास्थल गुमला में होने के कारण गुमला थाना को हम लोग फॉरवर्ड कर दिए हैं आवेदन, और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जल्दी हम लोग एक्यूज्ड को पकड़ के और सेंटर करवाएंगे। पुलिस को इस शर्मनाक मामले के आरोपी शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।